नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज 2020 का आखिरी दिन है, 2021 का कल से पहला दिन होने वाला है। 2020 साल लोगों के लिए कैसा गया, नागपुर के लोगों के लिए कैसा गया, 2021 साल में नागपुर की जनता क्या रेजोल्यूशन लेने वाली है, इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं कुछ नागपुर के लोगों से। तो चलिए जानते हैं कि उनका 2020 मतलब कोरोना साल कैसा गया और 2021 में क्या रेजोल्यूशन नागपुर की जनता लेने वाली है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नागपुर के कुछ युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मयंक। और आपका नाम? आफ्ताब। आफ्ताब और मयंक मेरे साथ मौजूद है, दोनों दोस्तों। हाँ। चड्डी यार, बेस्ट फ्रेंड। लंगोटिया यार। अच्छा, तो 2020 जो साल रहा कोरोना, आज आखिरी दिन है 2020 साल का, आपका कैसा रहा? बहुत बेकार रहा, क्योंकि कॉलेज स्कूल सब बंद रहे तो हमको पढ़ाई करने को मिला नहीं। अभी नया साल आएगा तो फिर से कॉलेज चालू होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे हम। बस कॉलेज जाने, आप कॉलेज जाके पढ़ाई करते हैं कि लड़की देखते हैं? पढ़ाई करते हैं, BCCA चालू है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, लड़की देखते ही नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पढ़ाई करने जाते कॉलेज में? बिल्कुल पढ़ाई करने जाते। मयंक जो है वो पढ़ाई करने जाते हैं। आप लड़की देखने जाते होंगे या फिर पढ़ाई भी करने जाते हो? पढ़ाई मेरे अंजुमन में हूँ मैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कैसा रहा 2020 का साल, कैसा कोरोना जो लॉकडाउन हुआ कैसा बीता? बहुत बेकार गया। गर्लफ्रेंड से बात हुई? नहीं, आई नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या है तुम्हारे? गर्लफ्रेंड फ्रेंड नहीं है, दोस्त वगैरह। सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं सर, उसको लड़के पसंद है। नहीं, दोस्त है, बात करते रहते। 2021 साल के लिए क्या आपने रेजोल्यूशन लिया है? अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी साल आएगा तो अभी तो आज रात पार्टी में जाएगा। अब देखते हैं, सरकार ने बोला 5 बजे से लॉकडाउन लग रहा है, तो अब देखते हैं क्या होगा, पार्टी मनाने मिलती है नहीं मिलती है। अच्छा, तो वही कहना अभी। तो क्या एज है आपकी? अभी 19 है। 18 साल कंप्लीट हो गया, गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बना लीजिए। नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है, पहले पढ़ाई, इंटरेस्ट है पर पढ़ाई में पहले ध्यान देना है। मतलब नागपुर के युवा इतने ही समझदार है कि पहले पढ़ाई उसके बाद लड़की। आपका क्या? मेरा भी आगे देखेंगे क्या है। तो 2021 के लिए क्या रेजोल्यूशन लिया? आगे कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल करने के बाद क्या, पॉलिटिकल साइंस करने के बाद क्या, सॉरी पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या? पॉलिटेक्निक के बाद कोई भी जॉब में अप्लाई करूँगा, देखूँगा उसमें लगूँगा। 2021 में आप कौन से ईयर में जाओगे? वाह, मतलब कौन सा साल है आपका पॉलिटेक्निक का? ये फाइनल ईयर है। तो ये नागपुर के दो युवा है जो काफ़ी सज्जन है, एक्चुअली दोनों 17-18-19 साल की एज है इनकी, और गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत बड़ी बात है, नागपुर होने के बाद भी इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका 2021 कैसा होने वाला है और 2020 का कैसा गया। माइकसोद रहा जी, सहनशीलता वाली कि आशीष सहनशीलता वाली? नहीं, आज सहनशीलता है प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आवश्यक आहे तुम्हाला। घरी दारी प्रपंचामध्ये बाहेर समाजामध्ये वावरताना सुद्धा ही जी एक काही ज्या घटना आपण बघतो की अतिरेक जो होतो मनाचा विचारांचा, अशा काही घटना झालेल्या आहेत, त्या मी मान्य करतो। पण सावधगिरीनं जर तुम्ही राहिलात तर ह्या अशा गोष्टीवरती सुद्धा तुम्ही मात करू शकता। काकू काय नाव आहे आपलं? आणि काका जे बोलले खूप अप्रतिम बोलले, सहनशीलता वाढली आहे आपली, वाढली का सहनशीलता काकांना ऐकण्याची? हो, काकांना ऐकण्याची सहनशीलता वाढली आहे। आणखीन आम्ही ह्या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये आहाराचं नियोजन खूप सुंदर केलं आहे, ज्यामुळे आमचं कोलेस्टेरॉल वाढलं नाही, हिमोग्लोबिन छान राहिलं, भरपूर भाज्या खाल्ल्या आहे, चांगल्या 3-3 पाण्याने धुऊन खाल्ले आहे, आणखीन खूप सुंदर स्वयंपाक करून खाऊ घातला आहे नवऱ्याला, मुलांना, सुनांना, जावायला, सगळ्यांना खाऊ घातला आहे छानपैकी। म्हणजे 2020 चांगला राहिला तुमचा? हो, एकदम घरचं छान छान मिळालं मुलांना सगळ्यांना खायला। 2021 काही तुम्ही रिझोल्युशन घेतला आहे का की असं राहणार आहे 2020? 2021 खूप छान जाईल, काही प्रश्नच नाही, कारण की आपल्या विचारावरती बरंच काही अवलंबून आहे। आपण ज्या प्रकारचं थिंकिंग ठेवतो, त्या प्रकारचे आचार विचार ठेवतो, त्या प्रकारचं आपण वागतो, आणखीन त्या चांगल्या वागण्यामुळे आपल्याला इफेक्ट चांगलेच मिळणार आहे, प्रश्नच नाही त्यामध्ये। क्या नाम आहे आपका? करिश्मा। करिश्मा, 2020 का साल कैसा रहा, लॉकडाउन का साल कैसा रहा, 2021 के लिए आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? एक्चुअली स्टडी हो नहीं रही है, इस वजह से 2020 तो बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और आगे के लिए स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं क्या होगा। लॉकडाउन कैसा बीता आपका? लॉकडाउन बहुत अच्छा गया, घर में थे, बहुत सारे डिशेस बनाए, और कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोला था अभी बीच में, वो भी चालू है। हाँ। आपका कैसा गया 2020? मेरा तो बोरिंग है एकदम, कुछ न्यू कुछ देखने को, घर में ही बैठो फालतू टाइम पास, और स्टडी नहीं कुछ नहीं, ऑनलाइन एग्जाम दो, फिर अभी फाइनल ईयर हो गया है, फाइनल ईयर के एग्जाम वैसे थे, तो इसलिए 2021 के लिए क्या रेजोल्यूशन आप लेने वाले?
अभी 2021 आई थिंक ऐसा ही जाएगा, अभी न्यू वायरस आ रहा है, अभी थर्ड स्टेज है कोविड का ही, थर्ड स्टेज ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आई थिंक इस साल भी लॉकडाउन ही होगा। 2021 के लिए आपने रेजोल्यूशन कुछ नहीं लिया फिलहाल तो? नहीं, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि अभी भी वो ही चलने वाला है, शायद से हो सकता है लॉकडाउन चालू हो जाए, और अगर नहीं हुआ लॉकडाउन, कोरोना चले गया तो फिर कुछ नहीं, घूमेंगे तो बहुत दूर घूमने जाएंगे। हाँ, पहले गोवा का प्लान है, बाद में देखेंगे क्या। ये जो आपने कहा कि 2020 का साल बड़ा बोरिंग गया, स्कूल स्टडी सब बंद थी, तो सिर्फ स्टडी के लिए बोर गया या फिर दोस्तों से मिलना नहीं हुआ इसलिए बोर गया? दोस्तों से मिलना और बातचीत कुछ भी नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो कॉल पे बात होती थी, उसमें मजा नहीं आता था जो मिल के बात होती है, इसलिए फुटाला को मिस, अम्बाचरी को मिस, कहीं जाना घूमना सब मिस किया। 2020 के आखिरी दिन में कई लोग जो है वो अम्बाचरी में आते हैं, आप देख सकते हैं पीछे विवेकानंद जी की जो है प्रतिमा लगाई गई है, निसर्ग रम्य और जो है यहाँ पे वातावरण है। कुछ टीनेजर जो है यहाँ पे आए हैं, उनको पूछते हैं कि साल का आखिरी दिन उनका ये साल कैसा रहा, 2021 के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की है। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुकड़े। आपका? वैभव बगड़ते। ओके, 2020 साल कैसा रहा, पढ़ाई हुई या नहीं हुई? पढ़ाई मतलब हुई, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो ऑनलाइन क्लास में उतना तो कुछ समझता है नहीं, इसलिए अभी स्कूल से हम आ रहे थे। कौन से स्कूल में? हड़स हाई स्कूल। ऑनलाइन में नहीं समझता, ऑफलाइन में समझता है सर का? समझ जाता है। तुम कौन से स्कूल से हो? हड़स। हड़स में। कौन से क्लास में? नाइन्थ। कैसा रहा 2020 साल कैसा रहा? अच्छा रहा, मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को अच्छा मिला इस बार, और मतलब स्कूल का टाइम थोड़ा सा याद आ रहा था हमको, और मतलब फ्रेंड्स वगैरह रहते ना उनके साथ, और स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो हमको ऑनलाइन में पढ़ाया तो कुछ समझ नहीं रहा था। स्कूल या गर्लफ्रेंड? स्कूल। गर्लफ्रेंड है? नहीं। हाँ या नहीं? हाँ है। 14 साल की उम्र में लड़के गर्लफ्रेंड पटा रहे, क्या नाम है? पता भाई, तू सच में बता देगा गलत हो जाएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं 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 है। नहीं, ये तुमसे छोटा है 1 साल, तो भी इसकी गर्लफ्रेंड है तुम्हारे नहीं है, क्यों ऐसे? ज्यादा स्मार्ट है ये? हाँ ज्यादा स्मार्ट है। तुमको जलन नहीं होती इसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे नहीं है? नहीं। क्यों? सिंगल इज बेस्ट। अच्छा, सिंगल इज बेस्ट, 15 साल के लड़के सिंगल इज बेस्ट, बाद में समझेगा इनको। कैसा 2021 के लिए क्या प्लानिंग की है? कुछ नहीं, कल सवेरे जल्दी उठना है, नहाओ, पूजा करो, फिर वही डेली रूटीन रहता है। 2021 साल में कुछ रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे ये करना है 2021 में, ये चीज़ होगी, क्या कुछ प्लानिंग किया है? नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं किया है। फिलहाल तो कुछ नहीं किया है। आपने किया कुछ रेजोल्यूशन? हाँ। क्या प्लान किया है? मुझे मतलब एक्टर बनना है, तो उसके लिए एक्टिंग क्लासेस लगाना है। 2021 में एक्टिंग की क्लासेस लगाओगे? हाँ। तो अगर आप एक्टर हो तो एक खास डायलॉग हो जाए? वैसे नहीं, मिमिक्री करता मैं, नाना पाटेकर की मिमिक्री करता। भूल रहे हैं नाना पाटेकर, फिर से बताइए, अच्छे से बताइए, कोई टेंशन नहीं है, नाना पाटेकर से बात करते ऐसा करते हैं क्या? हाँ बताइए कि नहीं सर, मतलब उतना मतलब परफेक्ट नहीं आता मुझे, पर थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ मिमिक्री। डायलॉग बोलिए खा। डायलॉग वगैरह याद नहीं, मैं पिक्चर नहीं देखते ज़्यादा। तो तीन है भाई साहब को, एक्टर बनना है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, कितने लोगों का मिमिक्री कर लेते हो? मैंने तो अभी जस्ट नाना पाटेकर ही किया हूँ। सीखा है? हाँ। कहाँ सीख रहे हो? मतलब ये यूट्यूब पे देख देख के। तो टीनेजर्स है, 2020 का जो आखिरी दिन है वो अच्छे से मना रहे हैं 21 साल के लिए। अलग अलग रेजोल्यूशन सभी के हैं, क्या और लोगों के रेजोल्यूशन है, 2020 का साल उनका कैसा गया, ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों के साथ। आप देखते रहे महाराष्ट्र 24।